सर नमस्ते। नमस्ते, कौन? आदरणीय प्रधानमंत्री, मैं बड़ौदा जिला से शैलेश पंचाल बात कर रहा हूँ। स्वामी, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। कहां से बोल रहे हो शैलेश जी? मैं बड़ौदा जिला का पादरा गांव से बोल रहा हूँ। पादरा से बोल रहे हैं? जी सर। पादरा तो हमारे प्रणामी जी का गांव। जी सर, प्रणामी जी का हो गए। आप पादरा भी चुके हैं। अच्छा शैलेश जी जी, सर। अभी मैं सूरत जिले से बात कर रहा था, हमारे आदिवासी कार्यकर्ता से बात कर रहा था, हितेश भाई से, और वो बता रहे थे कि कैसे उन्होंने वैक्सीन के लिए काम किया, कैसे लोगों को जागृत किया। आपने भी सुना होगा उन्होंने जो बताया। इसके अलावा क्या क्या काम किया आप बता सकते हैं क्या? जी प्रधानमंत्री जी, आपने हम सबको सिखाया है कि देश प्रथम है। हम लोग वही संकल्प को लेकर लोगों की मदद कर रहे हैं। कोरोना के दरमियान हर भाजपा कार्यकर्ता ने लोगों की लगातार मदद की है। किसी को दवा की जरूरत थी, किसी को बेबी फूड की जरूरत थी, हम लोगों ने बच्चे ढूंढ सबकी मदद की है। बहुत से बुजुर्ग और महिलाएं तो कहने लगी कि कोई काम हो तो भाजपा वाला को बता दो। शैलेश जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने समाज के हर वर्ग की चिंता की और सभी संगठन के कार्यकर्ता सक्रिय रहे और जनता के आशीर्वाद हमें समाज सेवा करने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। देखिए, ये तो अब बहुत अच्छी बात है और जनता तो जनार्दन होती है, जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है, और लोगों तक तो अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए क्या इस समय यानी भाजपा के कार्यकर्ता के नाते कहो या कोरोना कालखंड में काम हो, क्या आप टेक्नोलॉजी का कोई उपयोग करते हैं क्या? क्योंकि जी सर, हमारे सी आर हम पाटिल तो टेक्नोलॉजी के बारे आग्रही हैं, तो वो नई नई चीजें करते रहते, आप भी करते हैं क्या? जी सर, उन्होंने उन्होंने हमको सबको सिखाया और एक्टिव किया सोशल मीडिया में, और उन्हीं का मार्गदर्शन के लेके हम लोग कई तरह से काम कर रहे हैं। हमने पूरे इलाकों को सेक्टर में बांट लिया है और एक एक टोली को लोगों के घर जाती है या फिर उनका हालचाल फोन से लेती है। हर इलाके में एक व्यक्ति इंचार्ज बनाया है जो लोगों को संपर्क में रहता है। इसके अलावा हर इलाके के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जिसमें लोग अपनी समस्या लिख कर डाल देते हैं। हम लोग मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हमें लोगों की जरूरत का पता चल रहा है। सोशल मीडिया पर भी हम लोग नजर रखते हैं और एक दूसरी टोली और कार्यकर्ताओं को इनके इलाके के बारे में बताते रहते हैं। और पाटिल साहब और आपका हमको बात करने का एक अवसर मिला और हम पूरी तरह से पूरे खास के लोगों की सेवा करते हैं। लोग भाजपा का कार्यकर्ताओं को हर बार याद कर रहे हैं। शैलेश भाई, मुझे अच्छा लगा कि पादरा जैसे ग्रामीण इलाके में भी आप लोग टेक्नोलॉजी का बढ़िया ढंग से उपयोग कर रहे हैं और वो भी जनता से जुड़ने के लिए, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए, जानकारियां इकट्ठी करने के लिए है। ये बात सही है, जब नीयत सही होती है, समाज सेवा का संकल्प होता है, समाज को अगर हम परमात्मा का रूप मानते हैं तो फिर जाती है। और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने देश के सामने आई ये सबसे बड़ी महामारी में साबित कर दिया कि हम लोगों को अपना यानी पूरा समाज, सब लोग हमारे लिए एक परिवार है और हम लोग इस बात से ही संस्कारित हैं कि सत्ता भी हमारे लिए वो सेवा का ही माध्यम है। ये आप भी जानते हैं कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश देती है कि पहले देश फिर दल। जी सर, एक तरह से कहे तो पन्ना प्रमुख कर्तव्य ये है कि वह दल से ऊपर उठकर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य करे। मैं तो चाहूंगा कि पन्ना प्रमुख को उसके पन्ने पर जितने परिवार हैं, उस परिवार को
का घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, परिवार के सब व्यक्तियों को नाम से जानने वाला होना चाहिए, परिवार में अच्छे बुरे प्रसंगों का उसको पता होना चाहिए, हर समय उस पन्ने पर जितने उसके साथी नाम है वो उसका विशाल परिवार है। जब तक पन्ना प्रमुख मतदाता सूची के उस पन्ने पर जितने नाम है उन सबको अपना परिवार मान लेगा, उनके सुख दुख जान लेगा, उनकी आवश्यकताएं जान लेगा, तो आप देखिए जीवन का इतना बड़ा आनंद होगा, इतना आनंद होगा जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। चलिए शैलेश जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको और पादरा के सभी पुराने साथियों को हमारा नमस्कार कहना भैया जी। सर।